नताश एजुकेशन है बहुत सारे एजुकेशनस्ट होते हैं कुछ बड़ी क्लासेस को पढ़ाते हैं आप बिल्कुल छोटी क्लासेस को जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को पढ़ाने में कितनी प्रॉब्लम आती है क्योंकि देखें अब वो दौर तो रानी की पहले वाली जो टीचर्स होती थी वो कमर पर दो मुक्के मार के पढ़ा दिया करती थी अब तो ये कॉन्सेप्ट है नहीं तो इनकी साइकी को समझना और फिर इनको पढ़ाना कितना डिफिकल्ट होता है आई थिंक डिफिकल्ट मुझे लगता है हर जॉब के अंदर ही डिफिकल्टीज आपको आती हैं बट uh, जब आप स्टूडेंट्स uh, की माइंड को अंडरस्टैंड करते हैं और उनके साथ मिंगल uh, अप करते हैं बिकॉज वी हैव दिस थिंग स्ट्रगल टाइम इन द मॉर्निंग तो हम बच्चों के साथ बैठते हैं उनके uh, दिन के बारे में पूछते हैं वट हैव डन इन देर वीक एंड तो जब आप उनसे ये कनेक्शन रखते हो ना वन टू वन कॉन्वर्जेसन करते हो उनके माइंड को समझते हो उनके फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हो तो वो आपके साथ ओपन अप होते हैं एंड देन दे शेयर एवरी थिंग विद यू दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को पढ़ाना डेफिनेटली इज़ वेरी मुझे लगता है सबसे जो मुश्किल काम है ना एक पेरेंटिंग है दूसरी चीज़ है बच्चों को तालीम देना अपनी नॉलेज को किसी लाइक uh, स्टूडेंट्स like, के अंदर इन्वेस्ट करना दिस इज़ मुझे लगता है दिस इज़ द मोस्ट जॉब एंड स्पेशली इन पाकिस्तान वुड आई फील कि टीचर्स को उतना हाईलाइट uh, uh, नहीं किया जाता जितना उनको करना चाहिए बिकॉज आपकी पूरी एक uh,

टैकल करने का एक अलग ही तरीका होता है इसमें टीचर का अपना टेंपरमेंट कितना जैसे हम कहते हैं ना बर्दाश्त कितनी जरूरी होती है क्योंकि बच्चे एक तो समझते नहीं है या तो फिर दूसरा तरीका है वो अब स्कूलों में मना हो गया है और गलत भी है तो अपनी अपने बर्दाश्त कितनी रखनी पड़ती है uh, बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है तो उनके अंदर जो है ना हम यही चीज़ देख रहे होते हैं कि टीचर कितना ज़्यादा इस चीज़ को टॉलरेट कर सकते हैं बिकॉज बच्चे जो है ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दे इन देयर इमेजिनेशन सो आर वो प्रेजेंट तो होते हैं क्लास में लेकिन वो कहीं और उनका माइंड ज़्यादा होता है वो फोकस नहीं कर रहे होते कि टीचर उनको क्या पढ़ा रही है तो उनको समझने के लिए ऑफकोर्स देर आर सो मेनी स्ट्रैटीज जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं उनके माइंड को अंडरस्टैंड करने के लिए दैन वी हैव लॉड ऑफ हैंडस ऑन एक्टिविटीज दैट वी इम्प्लीमेंट विद आर स्टूडेंट्स के जिससे वो इंगेज होते हैं वो अच्छा हर बच्चे का उनको अंडरस्टैंड करने का ना पैरामीटर भी अलग है जैसे कुछ बच्चे जो हैं उनके साथ हम नॉर्मल कन्वर्जेसन करेंगे तो वो सही हो जाएंगे लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमने कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू ना उनका इंटरेस्ट डेवलप करना होता है तो ये पढ़ाई में बड़ा ये क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना कि एक बच्चा अगर आप घर में संभालें तो बड़ा मसला होता है और सलाम इन टीचर्स को जो एक क्लास में पंद्रह पंद्रह बीस बीस छोटे बच्चे संभाल रही होती हैं बड़ा डिफ़िकल्ट काम है इसमें और भी बहुत से सवाल हैं यहाँ लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का ब्रेक के बाद हाजिर होता है